बॉलीवुड से इस समय बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सामने आ रही है, जिसे हमें आपको बताते हुए बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। द लेजेंड लता मंगेशकर और हमारी लता दीदी अब नहीं रही। 92 साल की उम्र में लता दीदी ने अपनी आखिरी सांसें ली हैं। लता दीदी की इस खबर से पूरे ही देश में सन्नाटा फैल चुका है। लगभग 1 महीने से बीमार चल रही थी लता दीदी। लता जी को 8 जनवरी को कोविड के कारण हॉस्पिटलाइज करा गया था, लेकिन चेकअप के बाद पता चला कि उनको निमोनिया भी है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए उनको आईसीयू में रखा गया। एंड जैसे ही उनकी तबीयत में सुधार देखा गया तो उनको प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन इस सब के बीच उनकी तबीयत एक बार फिर से सडनली बिगड़ गई है। 92 ईयर्स ओल्ड लता जी पिछले 29 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश जी ने बताया था कि लता जी रिकवरी कर रही हैं, जिसके बाद उनके फैंस को बहुत ही बड़ी राहत की सांस मिली थी। लेकिन एक बार फिर लता जी की तबीयत खराब हो गई है। आज ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में लता दीदी ने अपनी आखिरी सांसें ली।